हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनोज, योर इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास सिक्स हनीसकल बुक में से पोएम थ्री द क्वेरल की समरी को डिस्कस करेंगे। द क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। समरी इन इंग्लिश। वन डे द सिस्टर क्वेरल विथ हर ब्रदर। एक दिन बहन ने अपने भाई से झगड़ा किया। द रीजन वॉज वेरी पेटी। और जो कारण था झगड़े का बहुत ही छोटा सा था, तुच्छ सा था। बट दे शाउटेड एट ईच अदर। पर वो एक दूसरे पे चिल्लाए। द क्वारल वॉज माइल्ड एट फर्स्ट। शुरुआत में जो झगड़ा था बहुत ही माइल्ड था, बहुत ही छोटा सा था। बट इट बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द एंड। पर अंत में बहुत ज्यादा जो झगड़ा था बहुत बड़ा बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, मजबूत बन गया। बोथ क्लेम्ड दैट दे वर राइट। और दोनों ने ये दावा किया कि वो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। दे बिगैन टू हेट ईच अदर। और वो एक दूसरे को हेट करने लगे, घृणा करने लगे एक दूसरे से। दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर टिल इवनिंग। और उन दोनों ने शाम तक कोई बात नहीं की एक दूसरे से। देन सडनली, और अचानक, द ब्रदर रियलाइज हिज मिस्टेक। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। ही डिसाइडेड टू मेक अप विद द नैरेटिव। फिर उसने डिसाइड किया, फैसला लिया कि जो नैरेटर है, नैरेटर का मतलब जो ही हमें ये पोएम बता रहा है, उसने डिसाइड किया कि वो नैरेटर से मेकअप कर लेगा। मेकअप का मतलब होता है झगड़ा सुलझा लेगा। ही वॉक्ड अप टू हर। वे उसके पास चल के गए, बहन के पास, एंड पैटेड ऑन हर बैक। और उसके पीठ पे थपथपाया। ही सजेस्टेड दैट दे शुड पैच अप। और उसने सुझाया कि उन दोनों को पैच अप कर लेना चाहिए, अपना झगड़ा छोड़ देना चाहिए। He admitted that he was at fault. और उसने ये भी कबूल किया कि उसकी गलती थी। The narrator also forgot and forgave him. और जो लेखक है वो भी उस चीज को भूल गई और उसको माफ भी कर दिया। Now let's discuss some of the words from the poem. Quarrel का मतलब होता है fell out, यानी कि झगड़ा किया। Slight का मतलब होता है petty, यानी कि तुच्छ। Turned black, become very unpleasant or sad, यानी कि उदास हो जाना। Thumbed का मतलब होता है patted, यानी थपथपाया। Come along का मतलब होता है to accompany, साथ देना। So ये हमारा आज का poem का summary था। बहुत ही short summary है, बहुत easy to understand भी है। जहाँ पे एक brother एक sister के साथ झगड़ा कर रहा है। Brother को अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसे पैच अप कर लेता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।